अजमत इंसानी की तोहीन नहीं है, बल्कि इस तरह खौफ में कहना अजमत इंसानी की बेराज है। हकीकत इंसान वही तो खुदा से डरे, जो बेबाक है और वो इंसान वही बदतर बदतर हैवान है। कौन कहता है मुमकिन है इसके बाद भी ये वसवसा किसी के जहन में रहे कि कम से कम एक के साथ तो इंसान को बस्ती ना दी जाए, और इस लापाक जानवर की निस्बत वो भी चेहरे मुकद्दस फजीलतुल मुनव्वरा जात हलबाव सेवकों और काजी माँ की तरफ करते हुए खुद को सगे मदीना चेहरा को दो उसके साथ की तार है। अर्ज ये कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मदीने की तरफ कुत्ते की निस्बत कर देना कोई बात नहीं है, मदीने के अंदर भी तो कुत्ते रहते होंगे, कुत्ते का जिक्र तो आपको शायद पता हो या ना हो, तो पता चल जाएगा कुत्ते का जिक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने पाक में भी एक खुशनसीब कुत्ते का जिक्र एक कुत्ते में सर्दी हो, एक तो वो कुत्ता जो अल्लाह रसूल के मानने वालों को भोंकता है, बल्कि अल्लाह रसूल की शान में भोंकता है, उसको सगे मदीना कहलाना कह दिया अच्छा नहीं लगता, जब तीर तो मदीने से है ना सारी ये निस्बत से है, न जाने क्या हमारा लगता। एक कुत्ता वो जो औलिया किराम से निस्बत रखने वाला था, मुस्तफा से निस्बत रखने वाले कुत्ते की बेचारी औलिया किराम से निस्बत रखने वाले कुत्ते का कुरान में तस्करा है, चुनाचे और इनका कुत्ता अपनी कलाइयां फैलाए हुए है बाकी चौखट पर। साहब एक हाथ से कुत्ते का कुत्तेरा पुराना बात कहेंगे उसको खाली तो है ना, वो गाय की चौखट पर उसने फैलाए हुए सुना से मुफ्ती अहमद यादगान अले रहमतुर रहमान आयत करीमा के फरमाते से मालूम हुआ कि बुजुर्गों की सोबत का कुत्ते पर इतना फिरवा के इसका जिक्र इज्जत से कुरान में आया और इसके नाम के वजीफे पढ़े जाने लगे, इसको दायमी जिंदगी नसीब हुई मिट्टी से नहीं था, नहीं भी अभी तक जिंदा है, वो भी सोए नहीं भी जिंदा है, चंद चंद सौ साल के बाद ये हयात हुए जागे उसका दिन का जाना उनकी बिल्कुल उसको नजर नहीं था। एक तो तफसीरों में इसके बहुत तफसीली वाकियात है, तो जब औलिया किराम की खिदमत में रहने वाले कुत्ते को यजमत मिली है तो मिट्टी से नहीं खाती, तो जिस इंसान को नदी की सोहबत नसीब हो तो उसका यानी सहाबी का क्या कुछ, यह भी मालूम हुआ कि तमाम इबादात से बढ़कर इबादत अच्छी सोहबत इख्तियार करना है कि इसका फायदा इंसानों पर ही महसूस है तफसीर पूरी जिल्द 5 सफा 278 पर है। अहले खैर से मोहब्बत करने वाला जरूर उसकी बरकतें हासिल करता है, अच्छों से मोहब्बत करने वाला उसकी बरकतें जरूर हासिल करता है। फिर मिसाल देते एक कुत्ते ने नेक बंदों से मोहब्बत की, असहाब कहा से मोहब्बत की और उनकी सोहबत इख्तियार की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र अपनी पाकीज़ा किताब कुरान मजीद में फरमाया। غالباً مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت
यानी एक सावट एक घड़ी औलियाउल्लाह की सोहबत में गुजार देना 100 साल की इबादत बोली कैसी खालिस इबादत बेहतर है। भैया औलियाउल्लाह की सोहबत से कल्ब में ईमान इस कदर मुस्तहकम हो जाता है कि 100 साल की इबादत और रियादत भी वो असर पैदा नहीं कर पाता, बल्कि तसव्वुफ की इस्तिलाह में कब्ज, जैसे हमको लोग कब्ज जो बदस्ती का लगता है हम उसको कब्ज कहते हैं, एक कब्ज तसव्वुफ की इस्तिलाह में भी पाया जाता है लफ्ज कब्ज। इसके एक माना यह है कि अल्लाह अज्जा वजल की इबादत की तरफ उसकी याद में दिल माइल रहा और बाद इस कब्ज़ से खुश नसीबी बची। आजकल ये कब्ज़ का मर्ज आम है और इसकी गवाहकारी बहुत ज्यादा, और ये कब्ज़ जो है इसका इलाज बस अहलुल्लाह की सोहबत से, उनकी मदद से, उनके तरफ से, उनकी तवज्जो से। एक लम्हे का बातिनी कब्ज, कब्ज जो है ना जो अंदरूनी कब्ज मैंने बताया बातिनी कब्ज, इबादत की तरफ दिल का माइल ना होना, बेसानी होना और इबादत से भी पुराना, एक लम्हे का बातिनी कब्ज भी इस कदर तबाहकार है कि तवील रियासतों और इबादतों को भी इंतहा कमजोर कर देता है, बल्कि आदमी बाद औकात इस कब्ज की वजह से बाद अल्लाह कुफ्र तक पहुंच जाता है। चुनाचे बाबुल क्या है जिक्र का असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु से मोहब्बत है। हमेशा हुजूर कल्ब यानी दिली तवज्जो के साथ मुस्तकिल तौर पर जिक्रुल्लाह करने से ये मोहब्बत हासिल होती है। लाख मोहब्बत इससे हासिल होता है कि हमेशा जिक्र करता है और इसी मोहब्बत की बरकत से इंसान बुरे खातिमे से महफूज रहता है। ये आप तो पढ़ना चाहे मजीद तफसीलात देखना चाहे तो लुबाबुल इहया मुतरजम सफा 121 इस किताब को मक्तबतुल मदीना ने शाया किया, लुबाबुल इहया। मेरा आपको मशवरा है कि ये जरूर मक्तबे से हासिल कीजिए, उर्दू में अरबी का तर्जमा किया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने इसको लिखा है, ये उसकी तस्वीर से या उल्कुम, बल्कि ये भी इसमें इतना पाया था या तो इनके भाई ने लिखा है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला के भाई बहुत बड़े जबरदस्त बुजुर्ग थे, बहुत प्यारा किताब है, उसमें ये लिखा हुआ मुस्तकिल तौर पर जिक्र। अब इस पर जो हम कह रहे हैं ये भी जिक्र है, जिक्र के माने हक हूँ अल्लाह हूँ अगर के वो जिक्र है, लेकिन यही जिक्र नहीं बल्कि जो बयान हो रहा है ये जिक्र है, आप जो सुन रहे हैं ये भी जिक्र की आप नहीं तो ठीक है, दुआ मांगना भी जिक्र, तिलावत करना भी जिक्र है, सुन्नतों भरा बयान करना भी जिक्र, सुन्नतों भरा दर्श देना भी जिक्र है, ये सब जिक्रुल्लाह की अकसाम, नमाज भी जिक्र है। इस तरह मतलब हर वक्त बंदा जो है गफलत से बचे
दूरिया करके अल्लाह की याद और मौत हो, तो उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होगी। जब अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होगी तो खात्मा बिल खैर होगा। क्या मैं अल्लाह की मोहब्बत हकीकी मानों में से हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इनकार कर ही नहीं सकते, कुछ करेगा भी नहीं मुसलमान, और मोहब्बत है भी बस कमा हको हूँ मोहब्बत, जैसी मोहब्बत चाहिए वैसी। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत नसीब कर दी,